सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, वही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके इस समय स्क्रीन में है। तीन चार क्वेश्चन आते हैं और कई बार हम लोग आंसर गलत कर देते हैं। समझते हैं इस कहानी को। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर एन, कह रहा है एन का वह छोटा सा छोटा पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए, फॉर विच 1+i की होल पावर एन इज इक्वल टू 1-। देखिए अब जो दिया गया है यहां पे समझिएगा, दिया गया हमें कि 1+i की होल पावर एन इज इक्वल टू 1-i की होल पावर एन। अगर हम इधर ले आए LHS में, इसे भी LHS में ट्रांसफर कर लें तो ये आ जाएगा 1+i/(1-i), दोनों की पावर सेम है इसलिए क्या हो जाएगा, होल पावर एन इक्वल टू यहां पे कितना बचेगा 1। अब 1+i (1+i)/(1-i)i के बराबर होता है और 1-i (1+i) ये -i के बराबर होता है, तो ये क्या है प्लस वाला, तो ये i के बराबर होता है। मतलब कि ये क्वेश्चन बन गया i की पावर n इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है ना, इनका वो मान बताना है, छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए i की पावर n की वैल्यू जो हो 1 के बराबर हो। अब देखिए यहां पे अगर हम n का मान 2 रखते हैं है ना, अगर 1 रखते हैं, मान लीजिए हम 1 लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 है, 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, 0 जो है 0 ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव है, क्योंकि 0 एक इंटीजर तो है ना। 1 का मान हम यहां से रखना शुरू करें, चलो 0 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, 0 रखोगे तो क्या है पॉजिटिव ना तो नेगेटिव होता है, 1 के पास जाएंगे तो i की पावर 1 i ही रहेगा, 2 के पास जाएंगे i की पावर 2 इज इक्वल टू -1 होता है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। i की पावर मान लीजिए हमसे कहा जाए 3 तो -i हो जाएगा, i की पावर 4 वो तो छोटा से छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, 4 होगा है ना, यानी कि हम i की पावर n इक्वल टू क्या करेंगे, i की पावर 4, यानी कि यहां पे n का मान क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जिसके लिए क्या होगा छोटा सा छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n क्या होगा, 4 होगा, जिसके लिए 1+i/(n)(1-i)n होगा है ना। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, तो ये देखो ये i की पावर हो गया n है ना, हमने क्या बताया 1+i/(1-i) के बराबर होता है, तो i की पावर n, कह रहा है इज रियल। अब देखो ये रियल होना चाहिए है ना, अब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, 2 रख के देख लो है ना, n इज इक्वल टू 2 रख के देखोगे तो i स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब, -1। और -1 क्या है, एक रियल नंबर है, -1 क्या है, रियल नंबर है, यानी कि वो छोटी सी वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 2 होगी। देखो रियल के लिए कहा तो आंसर बदल गया है ना, रियल के लिए क्या कहा, रियल वैल्यू -1 हो गई है ना, इमेजिनरी नहीं चाहिए हमको, रियल चाहिए, छोटी छोटी वैल्यू क्या है n की, 2 है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, कह रहा है कि विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच 1+i/(1-i)(1), देखो ये i बराबर i की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब देखो यहां पे n की वैल्यू 4 दी, 8 दी है, 12 दी है, 16 दी है, और d कह रहा है नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज मतलब कि इनमें से कोई नहीं, मतलब कि वो छोटा सा छोटा मान वैसे तो 4 होना चाहिए है ना, एन का मान 4 होता, अगर यहां 4 ऑप्शन में होता तो हम उसे क्लिक कर देते, लेकिन अभी हम नन ऑफ दी अबव की तरफ नहीं जाएंगे, नन ऑफ दीज की तरफ नहीं जाएंगे, इनमें से जो छोटा मान होगा अगर आई की पावर एन इज इक्वल टू 1 यानी कि एन की जगह पर रखने पर सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो आंसर सही होगा, अन्यथा हम डी की तरफ नहीं जाएंगे। अब देखिए यहां पे सबसे छोटा कौन है, 8, 12 और 16 है ना, तो देखो यहां पे i की पावर 8 रखेंगे तब भी इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, तो यहां पे क्या कौन सा सही होगा भैया, अगर 8 ना दिया गया होता, 12 16 20 और d दिया गया होता तब 12 सही होता, ठीक है, तो हमें नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं तो इसे क्लिक नहीं करना है, अगर ए बी सी तीनों ऑप्शन में से वो छोटा सा छोटा मान आपको ना मिले तब आप डी की तरफ जाइएगा। अब यहां पे 8 12 और 16 में से सबसे छोटा मान जो होगा इनकी वैल्यू 8 वो करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है, चलेगा, मिलेंगे अब हम लोग कुछ इस तरह से छोटे और मोटे प्रश्न की सीरीज में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।